हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएमटी कोर्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, बोल रहा है अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ अ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। कोई एक बाउल है यानी कटोरी जिसका जो शेप है कैसा है, हेमिस्फेरिकल टाइप में, ठीक। और वो जो बाउल है वो स्टील से बना हुआ है, ठीक है ना। और उस बाउल की जो थिकनेस है यानी जो मोटापा, ठीक है ना, वो है 0.25 सेंटीमीटर, ठीक। यानी उसका जो थिकनेस है, ठीक है ना, बाउल का, यानी उसमें स्टील लगा, स्टील से बना है, स्टील का जो थिकनेस होगा ना वो है 0.25 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद बोल रहा है द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, और इस बाउल का जो इनर रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। तो हमको ये बताना है कि आउटर कवर्ड सरफेस एरिया कितना होगा इस बाउल का, ठीक है। कुल मिलाकर हमको आउटर कवर्ड सरफेस एरिया बताना है, ठीक। आइए बताते हैं। सबसे पहले कुछ गिवन डाटा है यहाँ पास, क्लियर। यहाँ पास हम देख रहे हैं इसका जो इनर रेडियस है, इनर रेडियस ले लेते हैं स्मॉल आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक। और थिकनेस इसका जो है कितना है, 0.25 सेंटीमीटर, ठीक। समझिए बात को, इनर डायमीटर सॉरी इनर रेडियस और थिकनेस, ठीक है ना। कोई एक बाउल है कटोरी, ठीक है ना, समझिए बात को। अब ये क्या एक ही चीज से बना हुआ है, स्टील से बना हुआ है, स्टील से ना बनेगा क्योंकि यहां पास बोला है कि मेड ऑफ स्टील। इसको थोड़ा और मोटा हम कर देते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि ऐसे ये मोटा है, इसको आप पूरा कलर कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां से लेके, मतलब यहां से लेके और यहां तक का जो रेडियस है अंदर टू अंदर, ठीक है ना, वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक, समझे बात को। और ये जो मैं अभी यहां पास जो कलर किया हूं, इधर भी थोड़ा इधर भी थोड़ा, जैसे मैं अभी कलर भी कर रहा हूं, ठीक है ना, ये जो कलर कर रहा हूं मैं, यानी ये जो स्टील का जो थिकनेस है वो है 0.25 सेंटीमीटर, पूरा आप कर लीजिएगा। यानी इसका जो थिकनेस है, मतलब यहां से लेकर और यहां तक का जो ये वाला जो बीच का थिकनेस है वो है 0.25 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड करना है आउटर कवर्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो आउटर कवर्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है तो उसमें जो रेडियस लगेगा वो आउटर वाला ही लगेगा, ठीक है ना, इनर रेडियस नहीं लगेगा, वो आउटर रेडियस लगेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पास बोल सकता हूँ कि आउटर रेडियस क्या क्या होगा, यहां से लेके, ठीक है ना, और ये वाला, ठीक है ना, ये जो मैं अभी कलर किया हूं ये पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या इंक्लूड होगा आउटर में, आउटर रेडियस इक्वल टू सबसे पहले तो इनर वाला रहेगा, ठीक है ना, इनर रेडियस, इनर रेडियस, ठीक, प्लस और जो थिकनेस है वो भी रहेगा, ठीक है ना, तब ना जाके हमारा बनेगा पूरा आउटर रेडियस। भाई आउटर रेडियस यहां से लेके यहां तक है, ठीक, या यहां से लेके ये पूरा, मतलब आउटर में ये जो रंगा हूं मैं ये पूरा इंक्लूड हो जाएगा इनर के साथ साथ, ठीक है ना। तो आउटर रेडियस मैं कह सकता हूं कि इनर रेडियस प्लस थिकनेस, स्पेस का मैं लिख लीजिए, ठीक है ना। यानी जो हमारा स्मॉल आर है उसका जो वैल्यू है कितना है, 5 सेंटीमीटर प्लस इसका यानी थिकनेस जो है 0.25, ठीक है ना, इन दोनों का जो सम होगा वो आउटर रेडियस देगा, ठीक है ना। यानी आउटर रेडियस इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर, ठीक, क्योंकि ये दोनों सेंटीमीटर में है तो आउटर रेडियस भी सेंटीमीटर में ही आएगा। अब उनको बताना है आउटर कवर्ड सरफेस है, ठीक है ना, आउटर कवर्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना।
देखिए फॉर्मूला क्या होता है कवर सरफेस निकालने का किसी भी हेमिस्फेरिकल शेप का, ठीक है ना, वो होता है 2πr2। 2πr2 से हम इसका कवर सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है कि आर आप कौन सा ले रहे हैं। अगर आप अगर जो आर है अगर इनर वाला रहे हैं तो इनर कवर सरफेस एरिया का वैल्यू आएगा, अगर जो आर है अगर वो आउटर वाला ले रहे हैं तो आउटर कवर सरफेस एरिया है, ठीक है ना। तो हम मान ले रहे हैं कि जो हमारा आउटर कवर सरफेस एरिया का जो आर है वो कैपिटल आर है, ठीक है ना भाई। ये स्मॉल आर से खत्म हो गया इनर रेडियस, तो आउटर आर इसको मान लेते हैं, कैपिटल आर इज इक्वल टू आउटर रेडियस। यहाँ पर जो कवर सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2π कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पास स्मॉल आर नहीं लिख रहा है, अगर स्मॉल आर लिखेंगे और स्मॉल आर का वैल्यू पुट कर देंगे तो इनर कवर सरफेस एरिया आपको मिल जाएगा, आउटर कवर सरफेस एरिया नहीं मिलेगा। तो आउटर कवर सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको कैपिटल आर लिखना पड़ेगा और कैपिटल आर यानी आउटर रेडियस का जो वैल्यू है वो पुट करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पास 2 × π का वैल्यू 22/7, आर कितना दिया है, जो हमारा आउटर रेडियस है वो है 5.25 इंटू आर का स्क्वायर है यानी 5.25 × 5.25, ठीक है ना। आर यानी आउटर रेडियस है, ठीक है ना, आर जो हमारा है आउटर रेडियस है और उसका वैल्यू 5.25 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि कवर सरफेस एरिया एरिया निकाल रहे हैं तो इसका जो यूनिट आएगा वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आउटर कवर सरफेस एरिया इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा जब कैलकुलेट करेंगे, क्लास 9 के स्टूडेंट है तो इतना तो आपसे बनता ही होगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आएगी, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही आपको करना है, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आएगा आउटर कवर सरफेस एरिया, ठीक है ए है ना, ऐसे ही करना है, ठीक है ना। स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत।